एडवेंचर नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में करेंगे आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स। तो इससे पिछले वीडियो में अपन ने न्यूमेरिकल नंबर 7 तक तो सॉल्व कर लिए थे, और आज अपना न्यूमेरिकल नंबर 8। तो सवाल पढ़िए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, बुक भी साथ में लेके बैठे, जैसे कि आप सवाल पढ़ो और सवाल पढ़ के फिर हल कीजिए। अगर आपने सारे न्यूमेरिकल कर लिए तो ये वीडियो देखने की कोई जरूरत है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 8, इसका आंकिक प्रश्न संख्या 8। इन्होंने बोला कि तार, क्वेश्चन नंबर 8, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, फिर बोला 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा हुआ है। कोई तार है जो चुंबक के क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा हुआ और उसमें करंट 8 एम्पियर बह रहा है, इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिणाम एवं इसकी दिशा क्या होगी। तो देखिए सवाल दिए, इन्होंने जो I का मान दिए 8 एम्पियर, यानी करंट दे रखा है 8 एम्पियर, और B का मान चुंबक के क्षेत्र दे रखा है 0.15 टेस्ला, और थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। तो अपने याद है, अगर कोई तार, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान लो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में कोई तार इससे थीटा कोण पर रखा होता था, जिसमें करंट आई बह रहा था, तो इसके ऊपर लगने वाले बल का सूत्र क्या आता था? एस वेक्टर बराबर I × L वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आता था, याद है। और इसी में शॉर्ट में यहाँ से वेक्टर फॉर्म से काम आएगी नहीं, तो F बराबर I L B, F बराबर I L B sin θ बोला था। यहाँ पर सदिश रूप से कोई मतलब है नहीं, मैंने आपको सिखाया दिखा दिया। तो फॉर्मूला होता है F बराबर I L B sin θ, F बराबर I L B sin θ, सब देख है। लेकिन पूछा गया है कि तार की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान, तो देखो संपूर्ण लंबाई पे, तो हम क्या करते हैं, एल को नीचे ले आते, तो बन जाएगा F बटा L बराबर IB sin θ। ये हो गया, देखिए एकांक लंबाई नीचे आ गई ना, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अब सारा मान दे रखा है, I का मान आपको यहाँ पे दे रखा है कितना, I का मान है 8 एम्पियर, B का मान यहाँ पे 0.15, और साइन थीटा वो दे रखा है साइन 30 डिग्री। हल करो तो 8 × 0.15 × sin 30, एक बटा दो से 4/4 × 0.15, तो 15 × 4 = 16, 0.60 न्यूटन पर मीटर, 0.60 न्यूटन पर मीटर। तो ये आपका हो गया और आंसर 0. इसमें ठीक है 0.6, 0.60 न्यूटन मीटर। आगे बोला है, अच्छा क्या बोला है? हाँ ठीक है, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल एवं का परिणाम एवं इसकी दिशा, अपने को इस पर बल लग रहा है उसकी दिशा भी बतानी, उसकी दिशा भी बता। तो देखिए कैसे निकालेंगे अपन, इस अंगुलियों को चुंबक की, मान लो कि तार ऐसी डायग्राम ये जूम कर लीजिए कि तार ऐसे रखा हुआ है, ये मान लो चुंबक इस तरह, और ये कोण थीटा 30 डिग्री है। तो क्या करेंगे अपन, इस वी का यहाँ इसकी गति इधर धनावेश के, ये करंट देखो कैसे करेंगे, अंगूठा अंगुलिया चुंबक की क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में, वैसे तो इसका जो ये वेग होगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वी, तो ऐसे हो जाएगा लंबवत। तो हथेली के दखा देने की स्थिति सिंपल समझ लो, देखो इससे भी आ जाएगा, अंगुलिया चुंबक की क्षेत्र दिशा में, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में दाएं हाथ का, तो हथेली के दखा देने की स्थिति किसको बताएगी, चुंबक के बल को, तो कहां जा रहे हैं अंदर की ओर, कहां जा रहा है अंदर की ओर, तो वहीं से लंबवत अंदर की ओर। आपकी बुक में आंसर ये देखा दिया नहीं, तो बोलेंगे लंबवत अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। ये कब है देखो, अपने डायग्राम ये अपने ऐसा माना, अगर आप करंट को पढ़ दोगे तो फिर चेंज हो जाएगा, तो मैंने ऐसा माना है ठीक है यहाँ तक, नहीं ऐसा ही मानना ना, मानना भी ऐसा ही है, करंट और इस बी के बीच का कोण। एल वेक्टर क्या होता है, एल वेक्टर को कंफ्यूजन होना चाहिए, जो अपन जो F बराबर I × L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मानते हैं, तो इस एल वेक्टर की जो दिशा है, एल सदिश की दिशा आई की दिशा में मापते, तो कोण यही बनेगा। तो इस डायग्राम से आपको, ये डायग्राम भी आप बना लीजिए जिससे आप दिशा भी निकाल सको, लंबवत अंदर की ओर, इस तार जिस तल में तार रखा हुआ है इस तार के लंबवत अंदर की ओर, क्लियर। ये परिणाम हो गया, ये दिशा हो गई, ये बात क्लियर है, थोड़ी देर अच्छे से कर रखा है वैसे तो क्लियर हो गया होगा ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर
नाइन पढ़ लीजिए। डायग्राम जरूर बनाना दिशा के लिए, ये डायग्राम जरूर दिशा के लिए बनाना, समझ में नहीं आएगा। कैसे निकाला? अंगुलिया, दाएं हाथ की अंगुलिया चुंबक की क्षेत्र दिशा में, अंगूठे को करंट की दिशा में कर लिया, तो हथेली के धक्का दोगे उधर ही बल जाएगा, कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो, इसको आप कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना कि दो एक समान कुंडलियां है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन, इन्होंने बोला है कि दो एक समान कुंडलियां है, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा फेरों की संख्या 100 है। ऐसा इन्होंने बोला है कि दो एक समान, आगे पढ़ते हैं, कुंडलियां प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा फेरों की संख्या 100 है, समाक्षीय व्यवस्थित है, यानी दोनों का एक्स एक ही है, इनके केंद्रों के मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो एक्सीय रेखा पर ठीक मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने ऐसा बोला है कि दो आपकी कुंडली है, ऐसे एक कुंडली ये मान लेते हैं और एक कुंडली ये मान लेते हैं, दोनों समाप्त करने के लिए आपकी हेलमोल्ट्ज़ कुंडली भी तो रख ले, लेकिन हेलमोल्ट्ज़ कुंडली में जो इनके बीच दूरी त्रिज्या के बराबर होती थी, यानी हेलमोल्ट्ज़ कुंडलियां नहीं, लेकिन उनके जैसा ही कुछ है, एक कुंडली ये मान लेते हैं और एक कुंडली ये मान लेते हैं, क्लियर? ऐसे वर्ताकार कुंडलियां, और मान लेते दोनों में जो करंट है एक ही दिशा में बह रहा है, तो करंट यानी मान लेते हैं करंट बह रहा है, कैसे माने इसको? करंट को मान लो, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, क्लियर? इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी, दोनों में एक ही दिशा में करंट बह रहा है, और दोनों की त्रिज्या कितनी? इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, अगर मैं आर मान लू, इसके भी कितनी? आर, और इस आर का मान अपने को दे रखा है यहाँ से, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 × 10⁻²⁪ मीटर। मैंने कुछ नहीं किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सी मतलब 10⁻², यानी वही सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, 100 से भाग दिया, वही मैंने काम किया यहाँ पे, ये आपको पता है। आगे देखिए तथा फेरों की संख्या, प्रत्येक में फेरों की संख्या, जो एन का मान आपको दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स फेरों के, प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या 100 दे रखी है, कितने रखिए? 100, 100 दे रखी है। फिर आगे बोला है समाक्षीय व्यवस्थित, दोनों की एक्स एक ही है, दोनों की एक्स एक ही है, दोनों की एक्स, जैसे मान लो, कैसे एक्स एक है मतलब, जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को एक्स मान लो, तो एक कुंडली है और एक कुंडली ऐसा, क्लियर? ये ऐसा, ये एक्स बन गया मार्कर, ये सेंटर से, तो ऐसे दोनों रखी हुई, समाक्षीय रखी हुई है। फिर आगे बोला है समाक्षीय है और इनके केंद्रों के मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर, इनके जो केंद्र है इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, इनके केंद्रों के बीच की दूरी इसके और इसके केंद्र के बीच 12 सेंटीमीटर, यदि प्रत्येक कुंडली में जो करंट है वो देखा आई का मान आपको देखा है 1 एम्पियर, आई का मान आपको देखा है 1 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो एक्स रेखा के ठीक मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? ठीक बीच में, यानी यहां से इस दूरी पे, देखिए ये बीच का बिंदु हो गया, तो ये 12 है, तो ये यहां से यहां तक कितना जाएगा? 6 सेंटीमीटर, यहां से केंद्र से और यहां से भी कितना जाएगा? 6 सेंटीमीटर। मान लेते बिंदु पी है, मान लेते बिंदु पी है, बीच में निकालना है, तो 12 का आधा आधा यानी 6, और 6 ने अपने को इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला, तो देखिए ये सवाल वो बन गया कि धारावाही वर्ताकार कुंडली की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने निकाला था, अगर कोई कुंडली है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और ये दूरी एक्स है, बिंदु पी है, तो बिंदु पी पर और ये दूरी अपने स्मॉल आर मानी थी, ठीक है, ऐसा याद नहीं रहेगा हमेशा वाला, एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया था? बी का मान, बी का मान आता था म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर बटे में, ये एकदम क्या लिखेंगे, किसी धारावाही वर्ताकार, किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली, धारावाही वर्ताकार कुंडली की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र, आप जानते हो एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? बी बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे में 2r² + x² की पावर 3/2, ठीक है, ये वाला केस, एक्स उसके केंद्र से उस बिंदु की दूरी है और केपलर इसकी त्रिज्या है, एन इसमें घेरों की संख्या है और आई इसमें बहने वाला करंट है। अब देखिए इस कुंडली की वजह से भी यहाँ चुंबक क्षेत्र बनेगा, और इस कुंडली, मान लो कुंडली एक है, ये कुंडली दो है, कुंडली दो की वजह से भी यहाँ चुंबक क्षेत्र बनेगा, अगर दोनों समान, दोनों की वजह से इस बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान और जुड़ जाएगा,
और विपरीत हुआ तो घट जाएगा। तो देखिए हम कैसा करते हैं, दिशा निकालते हैं। दिशा कैसे निकालते हैं, अंगूठा विद्युत धारा के दिशा। देखिए इसमें करंट कहाँ जा रहा है, दोनों में देखो, इन्होंने बोला है करंट दोनों में समान है, तो मैंने इसको भी एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त मान रखा है, इसको भी मैंने वामावर्त मान लिया समान दिशा में। तो देखिए यहाँ अंगूठा ऊपर, देखो करंट ऊपर जा रहा है अंगुलिया बिंदु की तरफ, तो कहाँ जा रहा है अंगुलिया बिंदु की ओर, तो अंगुलिया कहाँ गई अंदर की ओर, यानी यहाँ इस कुंडली एक की वजह से बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर, इसी प्रकार ठीक अंदर की ओर। और अपन ने, मैंने गलत कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज इसको भी, एंटी क्लॉकवाइज इसको भी अपन ने एंटी क्लॉकवाइज, करंट अंदर है ठीक है, और यहाँ पे ठीक है। देख यहाँ भी देखिए क्लियर हो गया, अंगूठा ऊपर, अंगूठा विद्युत धारा दिशा में, अंगुलिया अंदर की ओर, अंदर हो जा रहा है इसकी वजह से, दो की वजह से। ठीक है देखिए कैसे करोगे, अंगूठा विद्युत धारा कहाँ आ रही है नीचे, अंगुलिया कहाँ जा रही है अंदर, कहाँ जा रही है अंदर, इसके लिए नीचे, तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में तो अंदर जा रही है, यानी इसकी वजह से भी चुंबक क्षेत्र अंदर है और इसकी वजह से भी अंदर है, दिशा निकालना आ गई, यानी दोनों की वजह से जुड़ेगा, दोनों की वजह से जुड़ेगा। कितना देखिए, तो बिंदु P पर अगर अपने इस दूरी को x बोले, x बराबर 6 सेंटीमीटर, x बराबर, तो ये भी x ही है, ये भी बिल्कुल x है, इसको मैंने x बोला, इसको मैंने क्या बोला x, और वैसे x का मान कितना आपको पता है, x का मान 6 सेंटीमीटर होगा, x का मान कितना होगा क्लियर होगा, 12 का अध्यक्ष है, मैंने इसको सिंपल x x बोल दिया इसके इसके जैसे दिखाने के लिए, तो 6 सेंटीमीटर यानी 6 × 10⁻²⁪ मीटर। तो देखिए अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, तो BP मतलब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, दोनों की वजह से सेम है, दोनों की वजह से सेम दिशा में, तो बनेगा 2 2 से गुणा कर दो ना भाई, इसकी वजह से इतना, एक की वजह से इतना, तो 2 की वजह से कितना, 2 से गुणा किया तो 2 µ0 nIR² / 2 R² + X² / 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बन जाएगा सिंपल सा, बन जाएगा डी बराबर µ0 nIR² / R² + X² / 3/2। अब आपको सारे मान दे रखे हैं, सारे मान रख के हल करना है, सारे क्लियर है वाली बात, ये वाला फॉर्मूला क्यों 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि दोनों की वजह से चुंबक के सिर सेम दिशा निकाल लिया अंदर अंदर। अब देखिए आगे, म्यूनोट का मान जानते हो कितना होता है, म्यूनोट का मान होता है 4 पाई, म्यूनोट का मान 4 π × 10⁻⁷, एन का मान यहाँ दिया है 100 और आर का मान 8 × यानी ये बन जाएगा 8 × 10⁻²² और नीचे R² वही क्या आएगा 8 × 10⁻²² + X² और एक्स कितना है 12 का आधा, 12 का आधा 6, 6 सेंटीमीटर यानी 6 × 10⁻², तो आएगा 6 × 10⁻²² और पूरे की घात लगानी है आपको, पूरे की घात लगानी है 3/2, इस पूरे की घात लगानी है 3/2। तो चलिए इसको हल करते हैं, तो देखिए बी बराबर आपका बन जाएगा, हल करना तो देखिए अब बाकी इसमें कुछ बचा नहीं, केवल हल करना है, तो आप हल खुद के लिए आगे बढ़ सकते हो, मैं हल करता हूँ देखिए इसको। तो कहते हैं 4 π × 10⁻⁷ इंटू में 100 रहने दो, अभी 100, 8 का वर्ग कितना होगा 64 होगा, 10⁻², तो घाटे आपस में गुणा हो जाएगी, तो 10⁻⁴ तो बन गया ऊपर, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 64 × 10⁻⁴, नीचे आ रहा है 8 का वर्ग कितना, देखो 64 × 10⁻⁴ + 6 का वर्ग कितना 36 × 36 यानी, और घात में माइनस का 4 × 10⁻⁷ और इस पूरे की घात है 3/2, 3/2। तो ध्यान से देखे यहाँ ये वजह से, देखो 64 × इसको अपन लिख देते हैं 4 π × 10⁻⁴ × 100 × 64 × 10⁻⁴, नीचे हल करते हैं 64, और यहाँ पे देखिए 10⁻⁴ बाहर आएगा, 10⁻⁴ जब कॉमन लोगे तो 10⁻⁴ और घात ऊपर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना 10⁻⁬ बाहर आएगा ना, क्लियर है, तो बाहर आएगा 10⁻⁬ घात से, घात 3/2 में हल कर दिया, 10⁻⁬ अंदर बचेगा 64 + 36 यानी 100 की घात 3/2, 64 और 36 100 की घात 3/2,
तो फिर से इसको राइट कर सकते हैं, देखिए 4 पाई इंटू 10 की घात का कितना, 10 की घात का 7 इंटू में 100 इंटू 64 इंटू 10 की घात का 4, नीचे 10 की घात का 6, 100 को यानी 100 की घात 3 बटा 2 यानी 100 की घात 1 इंटू 100 की घात 1 बटा 2 कर सकते हैं इसको, तो बन जाएगा 100 घात 1 बटा 2 वर्गमूल के अंदर 100, इस 100 से 100 कट जाएगा और वर्गमूल 100 बार कितना आएगा 10 आएगा, तो बन जाएगा देखिए 4 पाई इंटू 10 की घात का 7 इंटू में 64 इंटू 10 की घात का 4 ऊपर, और नीचे बच रहा है अपने पास 10 की घात का 6 इंटू में 10 इंटू में 10। अब सोल्व कर लेते हैं, देखिए 10 की घात का 6 प्लस का 10 यानी 10 की घात कितना बन जाएगा, 10 की घात का 5 कर दो इसको, ठीक है 10 की घात का 5 ये बन जाएगा, माइनस का 7 ऊपर माइनस का 5 नीचे, तो ऊपर कितना बचेगा माइनस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6 यानी घात अपने पास बची सिर्फ और सिर्फ 10 की घात -6। अब करना कुछ नहीं, तो 4 को पाई का मान 3.14 इंटू 64 इंटू 10 की घात -6 ये बी का मान आपको मिल जाएगा। अब गुणा भाग करके देखो 4 चौक 16 4 एकम 4 4 3 12 इन 12.46 को आपको 64 से मल्टीप्लाई और कर देना, जो आएगा मल्टीप्लाई करने वही आपका आंसर होगा, कर लोगे 12.46 को 64 से मल्टीप्लाई आप और कर देना इसको, मैं इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेट से कर रहा हूँ, आप इसको 12.5 करके सोल्व करना और भी आसान पड़ जाएगा, तो मैं इसको कर रहा हूँ 12.5 करके, मैं क्या कर रहा हूँ इसको 12.5 इंटू 64 राउंड फिगर में कर लिया तो थोड़ा सा और कम शॉर्ट हो जाएगा अपना, तो 12.5 समझ गया ना, अरे ये 4 के आगे संख्या 6 5 से बढ़िया तो पूर्णांकित कर दिया, तो 12.5 को जब 64 से गुणा करेंगे तो अप्रोक्स आ रहा है 800 तो 8 इंटू में 10 की घात का 6 तो ये आ रहा है 800 इंटू 10 की घात -6 10 की घात -6। तो अब देखिए इसको कैसे करना है, ये 800 यानी इसको आप राइट कर सकते हो कितना 800 यानी 8 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला, 8 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला। अब बुक में आंसर क्या आ रहा है आपका, मैच कर लेते हैं, बुक में आंसर आ रहा है 8.04। ये 0.04 की मिस्टेक क्यों आ गई, क्योंकि अपन ने इसको 0.46 को 0.5 लिखा है, 0.46 को 0.5 लिखा है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑर्डर में कोई पावर इसको बोलते हैं क्रम, इसका ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ इसमें कोई गलती नहीं होती, यहाँ 0.12 का मिस्टेक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 8 × 10⁻⁴ टेस्ला। अगर आपको डिटो आपकी जो बुक का आंसर है वो आ रहा है 8.04 तो 8.04 चाहिए, तो आप पूरा ये करोगे इसको 4 पॉइंट पूरा करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है समझ गया, वही पूरा नहीं आएगा मेरे साथ कुछ ऐसा आएगा 8.03 करीबन आएगा, तो आपको पूर्णांकित करना वहाँ भी पूर्णांकित करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर सही है। बाकी चीज़ों को ये तो मैथ से बाकी फॉर्मूला कंसेप्ट इसका यही छुपा हुआ था कि हाँ उसके आगे तो सिर्फ सिंपल 10th क्लास की मैथमेटिक्स, क्लियर ओके, तो नोट कर लीजिए अगर नोट करना तो, आगे फिर क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए, रब कर रहा हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इन्होंने बोला है कि 2 मीटर लंबे समांतर तार, 2 मीटर लंबे समांतर तार परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर निर्वात में से, इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन, 2 मीटर लंबे, 2 मीटर लंबे दो तार है जिनकी लंबाई आपको देखिए 2 मीटर लंबे, दो समांतर तार परस्पर 0.2 मीटर समांतर है, एक दूसरे के समांतर भी है, और इनके बीच की दूरी माने डी, डी का मान रहेगा 0.2 मीटर दूर, 0.2 मीटर दूरी पर रखे, यदि दोनों तारों में 0.2 एम्पीयर की विद्युत धारा एक दिशा में, इसमें भी करंट जा रहा है, I का मान 0.2 एम्पीयर, इसमें भी करंट है I बराबर 0.2 एम्पीयर, और इसमें भी करंट है I बराबर 0.2 एम्पीयर, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान बताना। देखिए लंबाई L का मान यहाँ पे दे रखा है 2 मीटर, 2 मीटर दोनों की लंबाई सेम है, D का मान इनके बीच की दूरी देखिए 0.2 मीटर, और दोनों में जो करंट है I1 और I2 दोनों में बराबर है, उसको I मान लेते हैं, और उस I का मान आपको 0.2 एम्पियर दे रखा है, I का मान आपको 0.2 एम्पियर दे रखा है,
ठीक है। तो तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो याद कीजिए वो कि जब दो तार थे दोनों में समान दिशा में धारा I1 और I2 प्रवाहित हो रही थी, तो इनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो जो समांतर तारों की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र F/L बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटे में 2 πD। डायरेक्ट क्या था पढ़ने, बस सिंपल सब कुछ दरखा आपको, सब कुछ दरखा, ये हो गया एकांक लंबाई पर बल। एकांक लंबाई L बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। सारे मान रख दो, म्यू नॉट का मान आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 4 π × 10⁻⁷। I1 भी कितना है, दोनों में समान है 0.2, I2 भी 0.2 बटे में 2 π बटे में 2 π, और D का मान भी 0.2 ही दे रखा, 0.2 दिया ना, 0.2 मीटर ही आपको D का मान दे रखा है, ठीक है, 0.2 × 0.2। तो देखिए 0.2 से 0.2 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा, 2 × 4 क्या आएगा, 4 कितना आएगा, 4 × 2 = 4, ठीक है सॉरी 2, और यहां से आएगा 0.2 × 10⁻⁷, क्लियर। पाई से पाई कट गया, 1 0.2 से 1 0.2 कट गया, और इस 2 से 4 2 बार कट गया, 7 × 10⁻⁷, मैंने क्या किया 2 × 0.2 = 2 × 0.2 क्या आएगा, 0.4 × 10⁻⁷, तो बन जाएगा 4 × 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर, 4 × 10⁻⁸ न्यूटन पर, कैसे जो है क्लियर है ना, 0.4 को आप 4/10 लिख सकते हो ना, और 10 का आएगा ऊपर, 10⁻¹ ऊपर आके वापस माइनस, तो −7 और −8 बन जाएगा, तो 4 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर, जो है मात्रक, इकाई लंबाई, यानी लंबाई बटा बल बटा लंबाई, इकाई लंबाई पर लगने वाला बल, क्लियर है। बुक में आंसर मेरे में तो गलत देखा है, 2 × 10⁻¹ है जो गलत है, मेरे गलत है ही है, आंसर आएगा 4 × 10⁻⁸, मेरी बुक में गलत है, अगर आप ही हो तो उसको सही कर लेना, क्लियर। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 10, आसान फॉर्मूला, सारी इकाई लंबाई पर, अनंत लंबाई का तार था, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 π D होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट, या आप अगर नोट करना तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इसको रख कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सब कुछ रखा होगा, सवाल पढ़िए और सॉल्व कीजिए, आधा काम सवाल ढंग से पढ़ने से हो जाता है। देखिए एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा, यानी कुंडली की जो लंबाई, दोनों लंबाई अपन देखो जो डेरिवेशन किया था ऐसा, एक आयताकार लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, याद आ रहा है कुछ, तो उसका उसके ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण का फॉर्मूला था NIAB sin θ, जहां पे नॉर्थ ये साउथ और ये नॉर्थ से साउथ चुंबकीय क्षेत्र अपन ने बनाया था, फिर यहां से इलेक्ट्रो बनाया था, एक क्षेत्र सदिश ये कोण में थीटा माना था, ठीक है, और इसमें आई करंट बढ़ा था, लंबाई एल मान के चौड़ाई मान लो बी मानी थी, ठीक है, ऐसे एल और बी, अब यहाँ पे दोनों बराबर है भाई, आयत में लंबाई चौड़ाई और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दो सारी बराबर, चारों बुझाई बराबर होगी, तो जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई रहेगी, तो यही बात है। तो देखिए एक वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी अपन एल को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, एल भी 10 है तो बी भी 10 है, ये बन जाएगा 10 × 10⁻²⁪ मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए वही जो रोज करते हैं 10⁻²⁪ मीटर में 20 फेर है, यानी इसमें एन फेरों की संख्या होती थी, तो एन का मान आपको देखा है 20, क्या देखा है 20, एक बार मार्कर चेंज करते एन, यानी इसमें जो कितने फेर है 20 फेर है, उसका मान भी आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। आगे देखिए, और उसमें 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, जो आई है, आई आपको दे रखा है 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और कुंडली ऐसे ऊर्ध्वाधर लटकी, जैसा ऐसा हो रहा है, कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी है, और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब, ये रहा, इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के, ये चुंबक के क्षेत्र बी का मान आपको देखा है, बी का मान देखा आपको 0.80 टेस्ला, ऐसा ही में देखा है, K
एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, इस चुंबकीय क्षेत्र दिशा से इसका क्षेत्रफल सदिश है वो यानी थीटा का मान आपको देगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कोण इसका अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, क्षेत्र अभिलंब, क्षेत्रफल के लंबवत एवं क्षेत्रफल सदिश, जो क्षेत्रफल सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बढ़ा रहा है। इसके बाद कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का परिणाम। बल युग्म मीन बल आघूर्ण, बलों का बलों बल आघूर्ण क्या होता है, बल का वह प्रभाव जो घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी आपको टो का मान निकालना है। तो सारे माने सारी बात वैसे तो आप देखिए तो बल आघूर्ण या बल युग्म एक ही बात है, बल युग्म बोल दीजिए, बल आघूर्ण बोल दीजिए, और इंग्लिश में बोलो टॉर्क बोल दीजिए। दिखाते हैं किसे, टॉर्क से, टॉर्क से TAU, ताऊ नहीं है भाई साहब, टो, ठीक है, टो, टो बराबर होता है NIAB sin थीटा। टो बराबर NIAB, ये डायग्राम आपको याद आ रहा होगा, एक समान चुंबक के क्षेत्र में आयताकार लूप पर बल जीरो आता था और बलागुण ये आता था फॉर्मूला। टो बराबर NIAB sin थीटा। सारे मान रखे, एन का मान रखा है 20, आई का मान रखा है 12, बी का मान रखा है 0.80 और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री तो 20 × 12 × 0.80 को मैंने लिखा 80/100, 80/100 कर दिया है ना, आसान हो जाएगा। साइन 30 को लिख दिया 1/2, काट पीट लो तो 2 से 20 कटा 10 बार, 1 0 से 1 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो 12 × 6 में, सही बोला, 12 × 6 96 न्यूटन × मीटर, 96 न्यूटन × मीटर। नहीं मेरी गलती कहाँ हुई, कहाँ गलती हुई, 96 × 12 सही तो लिखा है, ठीक है, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, गलती नहीं बहुत बड़ी गलती, गलती नहीं बहुत बड़ी गलती। देखिए इधर अपने गलती कर दी, क्या कर दी, NIAB, एन का मान क्या देखा है 20, पहले एन निकालो, चलो निकाल, एन का मान क्या देखा है 20, आई का मान कितना है 12, आई का मान है 12, ठीक है, साथ में ए भी तो है, ए क्या है इसका लूप का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, मतलब एन आई ए की जगह आप एल गुणा एल इंटू बी साइन थीटा कर, अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा, तो ए देखो यहाँ पे एन के इस कुंडली में कितने शेयर है, आई क्या है इसमें कितना करंट बह रहा है, ए क्या है इसका क्षेत्रफल है, और बी किस परिणाम के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और थीटा इसके क्षेत्रफल सदिश और इसके चुंबक के क्षेत्र के बीच का कौन, तो यहाँ पर एल इंटू एल यानी कितना आएगा 10 × 10⁻¹⁰, 10 का 1 कर सकते हैं, 10 × 10⁻¹⁰, 10 का 1, 10 का 1 यानी 10⁻¹⁰ × 10⁻¹⁰ इंटू में बी, बी का मान 0.80 और साइन 30, बस यही गलती, और कोई गलती नहीं थी। तो देखिए 20 × 12 × 10⁻²² कर दो इसको, ठीक है, 10¹² कर दो, यहाँ पे 80 को भी आप चाहो तो 80 × 10⁻²² भी लिख सकते हो और चाहो तो नीचे 100 लगा दो, क्योंकि पॉइंट आगे 2 अंक है तो नीचे 100 लगा दिया, × sin 30 1/2, 2 से 2 10 बार कट जाएगा, इस 0 से ये 0, 1 0 से ये 0 12, और फिर कौन सा फिर कट जाएगा, मैंने क्यों गलती हो रही है, हाँ ठीक है सही है, 12 × 8 देखिए यहाँ से 12 × 8 96 और साथ में क्या है 10⁻²² N·m। तो आप इसको देखिए, इसको आप 0 पॉइंट कैसे करोगे, 96 को बटे में ले जाइए 96 और 10⁻²² को नीचे ले जाओ, 10⁻²² को जब नीचे ले जाओगे तो 10⁻²² बन जाएगा, यानी बन जाएगा 0.96 N·m, न्यूटन मीटर। तो आ गया आपका टो का मान, बल आघूर्ण का मान आ गया 0.96 N·m। पिछली बार अपन ने उस लूप का क्षेत्रफल नहीं लिखा था, इसकी वजह से दो ये 10⁻²² गायब हो गया था, तो अपना आंसर 96 आ गया था। क्लियर है मेरी बात, लूप का क्षेत्रफल वर्गाकार जो भी लूप है, लूप अपन ने आयताकार के निकाला था सूत्र, लेकिन ये किसी भी आकृति के लिए सही है, आप उस लूप का चाहे वृत्त हो चाहे वर्ग हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उस लूप का क्या लेना है, क्षेत्रफल लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए, इसको रब कर दे, डायग्राम पिक्चर दिमाग बैठ रही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला है समान वेग से, क्वेश्चन नंबर 12 है सॉल्यूशन,
बोला है कि समान वेग से अल्फा कण तथा प्रोटॉन के पुंज किसी एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। ये कण वर्ताकार पथ अनुरेखित करते हैं। इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको याद है, कोई भी आवेशित कण अगर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता था तो जो चुंबकीय बल है वही अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता था। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यू वी बी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बटे में आर होता था। अगर थीटा 90 और साइन 90 का मान हो गया 1, तो क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर, जिसको अपने हल किया था तो आर का मान एम वी बाई क्यू भी आता था। तो बस तो मैंने बताया आपको कि हम जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रयास करता है तो उसका पथ वर्ताकार होता है, उसका पथ वर्ताकार होता है, और उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। यहां ऊपर देना वर्ताकार पथ की त्रिज्या, वर्ताकार पथ की त्रिज्या आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, जहां पे एम होता है उस आवेशित कण का द्रव्यमान, वी होता है उस आवेशित कण का वेग, क्यू होता है उस आवेशित कण का आवेश, और बी वो जिस चुंबकीय क्षेत्र में घुस गया वो चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब पढ़िए आगे, दोनों का वेग सेम, समान वेग वी सी, यानी दोनों जो अल्फा कण है और प्रोटोन है दोनों का वेग समान है। दोनों का वेग तो अपन देखिए अपने क्या निकालेंगे, तो इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात है, अपने को आर अल्फा बटे में आर पी निकालना है। जो प्रोटोन की जो त्रिज्या है उसका, सॉरी अल्फा कण की त्रिज्या और प्रोटोन की त्रिज्याओं का अनुपात, इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात। तो देखिए आर अल्फा के लिए हम क्या करें, आर के लिए यहाँ पे मतलब अल्फा के लिए अल्फा कण का द्रव्यमान यानी एम अल्फा, वी दोनों के लिए सेम है, नीचे क्यू अल्फा यानी अल्फा कण का आवेश, और बी दोनों के लिए सेम है, एक समान वेग से एक समान चुंबक के क्षेत्र, वी और बी दोनों के लिए सेम है लेकिन दोनों का द्रव्यमान और आवेश अलग होगा। फिर आगे बात करते हैं नीचे प्रोटोन का, तो यहाँ क्या करोगे, प्रोटोन का द्रव्यमान वी दोनों का सेम है और नीचे प्रोटॉन का आवेश यानी क्यू पी और वी दोनों में सेम है। तो जैसे वी से वी सॉरी यहाँ पे बी वी, ये तो कट गया, वी 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 से वी और बी से बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपल सा अपने पास बचेगा एम अल्फा बटे में क्यू अल्फा बटे में एम पी बटे में क्यू पी। तो आप इसको बोल सकते हो क्या, एम अल्फा बटे में क्यू अल्फा इंटू में आएगा क्यू पी बटे में आएगा एम पी, क्लियर, भिन्न बटा भिन्न मैंने ऐसा इसको लिख दिया। अल्फा एम अल्फा मीन अल्फा जहां पे वो अल्फा कण के लिए और टी मतलब प्रोटोन के लिए। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आर जो आ रहा है आर अल्फा बटे में आर पी, यह आएगा आपका एम अल्फा बटे में एम पी इंटू में क्यू पी बटे में क्यू अल्फा, क्यू आवेश है और एम द्रव्यमान है, टी मतलब प्रोटोन, अल्फा मतलब अल्फा कण। तो आप जानते होंगे अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण होता है 284 द्वि आयनित हीलियम का जो नाभिक है, इसे बोलते हैं अल्फा कण बोलते हैं। तो देखिए अल्फा कण का आवेश भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, इसमें दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, ठीक है। और इसका जो एम होता है वो होता है फोर, कितना होता है, फोर एम यू, फोर ए एम यू, फोर ए एम यू, ठीक है, 4 ग्राम। देखो एम यू ग्राम में भी कंफ्यूजन होना चाहिए, अगर एक परमाणु की बात करते हैं तो एक एम यू बोलते हैं और एक मोल की बात करते हैं तो ग्राम बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ 4 mu बोल दिया अपन ने। और आगे देखिए प्रोटोन, तो क्यू पी की पावर प्रोटोन, प्रोटोन क्या होता है, प्रोटोन आप जानते होंगे, प्रोटोन प्रोटोन होता है आपका 1H1, 1H1, 1H1 क्या बोलते हैं, प्रोटोन बोलते हैं। तो देखिए क्यू प्रोटोन की पावर, क्यू प्रोटोन होगा एक ई, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, यानी सिंपल ई आएगा। और मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन कितना होगा, मास ऑफ प्रोटोन, अगर देखो इसका 4 mu है तो इसका 1 mu, इसका 4 mu है तो इसका 1 mu, इसका सिंपल अपन 1 amu बोल सकते हैं, 1 amu। अरे देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या इसकी 4 है, इसकी थी 1 है, तो इसका चार्ज इसका 1 आ जाएगा, बस रख दो सारे मान, तो कट जाएगा। तो क्या बनेगा, आर अल्फा बटे आर प्रोटोन, एम अल्फा का मान, एम अल्फा कितना 4, तो नीचे यहाँ आएगा 4, नीचे किसका प्रोटोन कितना आएगा 1, इंटू क्यू प्रोटोन कितना है ये 1, और क्यू अल्फा कितना है 2, 2 से ये 4 है, एक्सेक्ट होगा आर अल्फा बटे में आर प्रोटोन 2/1, तो आर तो अनुपात हो गया आर अल्फा अनुपात आर प्रोटोन आएगा 2/1, 2/1। तो अतः इनकी पथ की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, 2/1 हो, बुक में आंसर यही दे रखा है, इसी को दे रखा है, मैंने उसको आगे अनुपात में और लिख दिया है, तो दोनों सही है, आप यहाँ से लिख लो चाहो तो यहाँ तक।
दोनों बात एक ही बात है, ये और इसमें कोई अंतर नहीं, देखिए आपका देखने का नजरिए का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करें। हो गया, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। देखिए क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एक साइक्लोट्रॉन के डीज की त्रिज्या 0.5 मीटर, साइक्लोट्रॉन की डीज की त्रिज्या यानी अधिकतम त्रिज्या जिसको अपन ने कैपिटल आर दिखाया था, इसको आप आर मैक्स भी बोल सकते हो, जो अगर उसका पथ जो आपका आवेश जो गतिमान है उसके अंदर उसकी त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर रहती है तो उसकी मतलब गति ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। यानी कैपिटल आर का मान दिया है, डीज की त्रिज्या का मान दिया है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, जिसको मैंने कैपिटल आर दिखा रहा हूँ और अपने डेरिवेशन किया था तब भी अपने उसको कैपिटल आर से ही दिखाया था, जो अधिकतम त्रिज्या का मान था उसे उन्होंने कैपिटल आर बोला था, ठीक है। और इसमें 1.7 टेस्ला का अनुपस्थ चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, अनुपस्थ मतलब लंबवत, जो बी का मान आपको रखा है 1.7 टेस्ला अनुपस्थ, वो तो होता ही है साइक्लोट्रॉन में चुंबक जैसे हमेशा लंबवत ही होता है, वो अपने पढ़ रखा है, ठीक है। कार्य कार्यक्रम, इसमें प्रोटॉन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, प्रोटॉन द्वारा अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी वो अपने को निकालना, अधिकतम ऊर्जा अपने को निकालनी पड़ेगी, यानी अपने निकालना है के मैक्स, क्या निकालना है के मैक्स। तो देखो सिंपल सी बात है, गति ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv², 1/2 mv², अपने पास वी का मान नहीं है तो पहले वी का मान निकाल ले, वी का मान रखा या तो ये कर लो, और ये नहीं करते हो तो अगर आपको सीधा फॉर्मूला याद है कैसे, चलो मैं फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। आर बराबर क्या होता है यहाँ पे आपके लिए, आर बराबर एम वी बटे में क्यू बी, एम वी बटे में क्यू बी, तो यहां से आप वी का मान क्या कर सकते, क्यू बी आर बटे एम कर सकते हो। अगर ये यहाँ पे रखा, ये आपने यहाँ पे रखा एम, यहाँ पे स्मॉली एम, आपने ये वाली बात यहाँ पे रखी तो 1/2 m, वी की जगह आएगा क्यू बी आर बटे में एम का वर्ग, जब इसको आप हल करोगे तो आएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में टू, अप्रोच हो आगे, तो ये होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू। चाहो तो आप इसे वेग निकाल लो, पहले वेग निकाल यहाँ रख दो, ये भाई गतिज ऊर्जा सिंपल फॉर्मूला वही 1/2 mv², जो अपने को 9th क्लास से याद है, कब से याद है 9th क्लास से, ठीक है। और यहाँ पे आ रहे होता है एम वी अपॉन क्यू बी, यहाँ से वी का मान निकाली क्यू बी आर बाई एम इसमें रखा तो फॉर्मूला बनाइए। अगर आपको सीधा फॉर्मूला याद है तो लगा दीजिए, अगर नहीं याद है तो आप इस अप्रोच से सोच सकते हो, और मेरे को सीधा फॉर्मूला याद है तो मेरे को सीधा ये लगाऊंगा कौन सा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू एम। यहाँ पे मैं के मैक्स का जो अधिकतम गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, ये वाला, कौन सा, के मैक्स, के मैक्स मीन्स अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो आएगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में 2m। हो सकता है बुक में इसको ऐसा लिखा हो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्स, ठीक है, अधिकतम त्रिज्या बटे में 2m, तो उसी आर मैक्स को मैंने कैपिटल आर बोल रखा है, ठीक है। तो क्यू का मान अब कौन है, प्रोटोन है, जो भी आवेश देख लो प्रोटोन, ये प्रोटोन द्वारा, प्रोटोन द्वारा प्रोटोन है, तो देखिए क्यू किसका लेंगे प्रोटोन का, बी दे रखा है, आर दे रखा है, और एम किसका लेंगे प्रोटोन का, तो यहाँ पे आवेश आएगा प्रोटोन का, द्रव्यमान आएगा प्रोटोन का, तो प्रोटोन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। प्रोटोन पर आवेश होता है, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जबकि प्रोटोन पर धन आवेश होता है। चलिए नेक्स्ट, मास ऑफ प्रोटोन, एमपी क्या है, प्रोटोन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटोन जो आपको याद रखिए 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, बस सारे मान याद रख दो और हल कर लो आंसर आ जाएगा, सारे मान याद रखो और हल कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्यूपी यानी 1.6 × 10⁻¹² इंटू बी, बी का मान रखा है 1.7 का b² वर्ग आएगा, इंटू में आर, आर जो है 0.5 का वर्ग, 0.5 का वर्ग अपॉन इज 2 mp, 2 × मास ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन का द्रव्यमान जो कितना 1.67 ×
10 है और इसका 27, हल कर लीजिए। तो 1.6 का यानी इसको लिखो 1.6 × 1.6, 10 से 19 की घात 2 एंड 10 का 38, क्लियर। 1.7 × 1.7 0.5 × 0.5 कर सकते हो, और नीचे 2 × 1.67 × 10 की घात 27। अब मैं यहाँ से सारा लूंगा अप्रोक्सीमेशन का। तो देखिए 1.7, देखिए इस 1.67 को, 1.67 को अपन अप्रोक्स 1.7 राइट कर सकते हैं, यानी मैं इससे उड़ा सकता हूँ, इससे ये उड़ा सकता हूँ, ठीक है। फिर इस 2 से 1.6 को मैंने 0.8 बार कट कर दिया, तो बचा क्या 1.6 × 0.8, और क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 1.7 0.5 × 0.5 बन जाएगा, 5 का वर्ग 25 × 0.25, क्लियर है, 0.25। अब देख लीजिए घातों को, माइनस का 38, माइनस का 27, यानी ऊपर बचेगा माइनस का 11, ये आंसर किसने आएगा जूल में, किसने आएगा, क्योंकि सारे मान किसने रखे ऐसा ही में, और ऊर्जा का मात्र क्या होता है जूल, तो ये आंसर जो मात्र में आएगा जूल आएगा। अब इसको हल करना, देखिए 16 × 112, तो 1.12 इंटू में पढ़ा जो, अरे सॉरी मैंने वेरी वेरी तो टेबल नहीं याद भूल गए, ठीक है, 16 × 144, ठीक है, वेरी वेरी सॉरी, पढ़ा नहीं याद है, भूल गया, तो कोई बात नहीं, कितना होगा ये 1.6, अरे कितना होता है 16 × 128, 128 यानी 1.28, क्लियर है, 16 × 8, 1.28 × 1.7, क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट, 16 को 8 से गुणा करने पर 128 आता है, 16 × 128, 16 × 144, तो ए वन क्या आएगा यहाँ पे पॉइंट पॉइंट इन 1.28 × 1.7, और इंटू में आपका बन जाएगा क्या, क्या गलती हो रही है, इंटू में आपका 25 × 10 11 जूल। अब देखो सिंपल सी बात है, गुणा भाग कर लोगे तो इसको मैं और शॉर्टकट लूंगा, 1.28 को मैंने माना 1.3, ये काम आप रफ में क्या करो, अब देखो सिंपल गुणा भाग है, जैसे आपकी मर्जी, मैं 1.28 को राइट करूंगा 1.3, क्या करूंगा 1.3, ठीक है ना भाई, 2 के आगे 8 जो 5 से बड़ा है, तो इसको मैंने पूर्णांकित करके 1 बढ़ा दिया, तो 1.3 × 1.7 × 2.5 × 2 = 17 कितना आएगा, 17 × 5 कितना 22, यानी 22 ये आएगा 2.21 × 25 × 25 25 तो 25 ठीक है, 5 यानी यहाँ पे 2, 25 × 50 = 52, 52 का 2 यानी 5, 50 × 5 = 55 यानी 55, तो 0.3 यानी 5.525 के करीबन, 5.525 के करीबन इंटू में 10 की घात −11 इंटू में 10 की घात −11, कहाँ गलती हो रही है, 1. हाँ गलती देखिए, गलती कित क्या हुई, 1. इसको करने पे 2.21 आ रहा है, 2.21, तो देखिए अभी 1, 2, 3, 4 0.5525, देखो ये काम बच्चों आप खुद भी कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ वैसे फालतू, 0.5525 × 10 की घात −11 जूल, 10 की घात −11 जूल। अब देखिए अपना काम क्या होता है कि यहाँ जो दशमलव है उसको यहाँ लाना है, यहाँ जो दशमलव उसको यहाँ लाना है, तो क्या करें इसके लिए, इसको 10 से गुणा कर दो, 10 से भाग दो, यानी इसको अपन 5. इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप लिख दो K max अधिकतम गति ऊर्जा बराबर यह आएगा 5.525 × 10 की घात −12 जूल, क्लियर है ना, मैंने इसको 10 से गुणा भी किया, मैंने इसको 10 से भाग भी दिया, तो देखिए जो 10 से गुणा किया उसे देखो एक स्थान दाईं ओर खिसक गया, और यह 10 ऊपर जाके -1 − 1 − 1 − 12 बन जाएगा, तो 5.25, और बुक का आंसर अपना आ रहा है, बुक का आंसर मैच करा दूंगा आपको 5.53, मेरा आ रहा 5.52, कोई डाउट, कोई गलती आपको नहीं है, तो 2 के आगे लगभग 5 अप्रोक्स अपना आंसर, क्योंकि अपने यहाँ पे
अप्रोक्सीमेट सारा लिया और अपने बहुत सटीक है, बहुत पास हूँ, अपना आंसर बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जून ये आपका आंसर होगा। गुना बाद में थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई, पारा याद नहीं था, ठीक है याद हो गया, लेकिन अब याद है, चलिए हो गया। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 13 तक, क्वेश्चन नंबर 13 तक, आगे वाले अपन सेपरेट वीडियो अलग से करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।